पे हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम लोग हैं रामेश्वरम में। हम लोग रामेश्वरम धाम आज विजिट करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे मैं एक बार पहले भी रामेश्वरम आई हुई हूँ, लेकिन तब मैं कॉलेज की तरफ से आई थी और मुझे इतनी चीज़ें याद तो नहीं है, बट दोबारा से थोड़ा थोड़ा मेमोरी दोबारा से याद आ रही है जब हम लोग उसी प्लेस पर पहुँच गए। जैसे हम कल पम्बन ब्रिज में थे तो हमने वहाँ पर कॉलेज टाइम में फोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, तो मुझे वो याद था। अब रामेश्वरम धाम में जाके देखती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें याद आती है। इस रूम पर हम लोग रुके हुए थे तो अभी ये रूम लॉक कर दिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं अग्नि तीर्थम में, वहाँ पर हम लोग जो स्नान करेंगे, उसके बाद 22 कुंड भी देखेंगे और उसके बाद मंदिर में भी। अगर फ़ोन अलाउड होगा तो मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले आए थे और उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करती नहीं थी, तो मुझे फ़ोन से उतना मतलब था भी नहीं। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड और आओ चलो रामेश्वरम धाम में दर्शन करते हैं। आ जाओ चलो। आज हम लोग निकल रहे हैं मंदिर की तरफ को। हमने गूगल मैप की हेल्प ली है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे की लैंग्वेज हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। वो कुछ बोल रहे हैं और वो ना हिंदी समझ रहे हैं ना इंग्लिश समझ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है फेस करना। तो अभी हमारे गाइड लोग कैसे पहुँचते हैं यहाँ पे, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। मेरा दुपट्टा मेरी हेल्प कर रहा है और मैंने पूरा कवर कर लिया अभी आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुझे देख लो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरा दुपट्टे ने मेरी हेल्प करी है। ठीक है, आपने बढ़िया काम चला रखा है। अकेले कब जाना है? सो गाइस, अभी हम लोग मेन चौराहे में पहुंच गए हैं, जहाँ पे सीधे जाएंगे तो हमें टेंपल दिख रहा है और हम अगर यहाँ से राइट साइड निकलेंगे तो धनुषकोडी का रास्ता, जो कि लास्ट लैंड है इंडिया का। और अभी हम पहले अग्नि तीर्थम का पता करते हैं और वहाँ के लिए चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर के रास्ते में ही आ गए हैं और यहीं से आगे अग्नि तीर्थम का रास्ता भी है, तो अभी हम लोग उन्हीं के लिए निकल रहे हैं। हमारा जो एंट्रेंस है मंदिर का, ये है बेस्ट टावर एंट्रेंस। हम लोग अभी बेस्ट एंट्रेंस से जो है पता करते हैं कि कहाँ को जाना है। वहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ गए हैं फॉर अग्नि तीर्थम जाने के लिए। तो टेंपल का रास्ता यहाँ पर भी है, यहाँ से लेफ्ट, सॉरी राइट, हमारा राइट। यहाँ पे मंदिर में जो है इस वाली साइड में रश थोड़ा कम है। नारियल का पानी, तो ये नॉर्थ वाले गेट से ही जो है वे लिखा गया है और तीर्थम बाथरूम के लिए भी। तो अब हम लोग यहीं से एंट्री करेंगे। ये वाला जो रास्ता था वो था जो 22 कुंड है वहाँ पे जाने के लिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो चार्जेस रहेंगे पर पर्सन के 22 कुंड में आने के वो 25 है। और इसके आगे अभी हम लोग निकल रहे हैं जहाँ पर है अग्नि तीर्थम। हम पहले वहाँ से स्नान लेकर आएंगे, उसके बाद 22 कुंडों में नहाएंगे। यहाँ से है वे टू अग्नि तीर्थम और ये है मंदिर का दोबारा से गेट आ गए। ये है साउथ गेट और यहाँ पर स्पेशल दर्शन के भी लिखे हैं 100 रुपये या 200 रुपये। रामेश्वरम म्यूनिसिपैलिटी वेलकम्स टू द पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज प्लेस। ये है हमारा वही अग्नि तीर्थम। फाइनली 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 अग्नि तीर्थम में पहुँच गए हैं और अभी हम सब लोग यहाँ पर जो है स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। हम
सामने का चार्ट ये कट जाएगा। अभी यहाँ पर स्नान करने हमारी टीम गई है जिसमें कुणाल है और प्रियांशु, अंकुश और मनीष, तो सब लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर मजे तरीके से। जल्दी मारा डबके अरे यहीं पर ही मालूम नहीं तो लोग गए वो उधर पे पानी भरने और हम लोग चलो। मैंने स्नान कर लिया फाइनली, इतनी डर लग रही थी ना बट फिर भी गए। कुणाल ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे डुबकी वाली है। अब हम जाएंगे इसके बाद 22 कुंडों की तरफ से, तो चलो चलते हैं। मैंने तो अपना स्नान कर लिया है और यहाँ पर कुणाल लोग इतनी दूर गए हुए हैं, नीरू, कुणाल, अप्पू और रजत भैया, अंकुश भी है, इतनी दूर गए हैं लोग स्नान के लिए। और साथ साथ वो जो यहाँ का जल है हम उसको भी लेकर जाएंगे, थोड़ा थोड़े घर वालों को भी देंगे। ये लोग फाइनली जल लेकर भी आ गए हैं और इन्होंने साथ साथ स्नान भी कर लिया है। अब चलते हैं 22 कुंडों की तरफ। को इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी मार्केट देखने के लिए मिलेंगी नियर बाय में ही, जिससे आप लोकल परचेस कर सकते हो और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल होंगे। धन्यवाद ब्रो, ले लो भी। यहाँ पर सब लोग स्पेक्स की परचेस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं भी देख लेती हूँ कि क्या है। अरे भाई बच्चा, अरे अरे भाई, 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 अरे अर
जो है ये वाली जो छोटी छोटी नेकलेस है उनकी परचेसिंग कर रही है और अब आगे की तरफ को बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है लोकल में। कुणाल ने ये स्पेक लिया है, नीरू ने भी ये स्पेक लिया है और इसकी लुंगी देख लो यहाँ और एक प्रियांशु भाई साहब भी है। एक भूत मिला है मैं यहाँ से मैंने बहुत सारे ऐसे नेकलेस जो है परचेस कर लिए हैं और साथ में एक शंख भी लिया हमने शॉप से और यस हमारी नन्ना ने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया है तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं इस शॉप में और भी और मैंने छोटे छोटे जो है इस टाइप के ब्रेसलेट्स भी परचेज करे हैं। मैंने एक ये लिया है। अभी हम लोग फिर से मंदिर के दक्षिण गेट में आ गए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाईस घाट में स्नान करने की तरफ को। अभी हम लोग यहाँ पर पहले पीने लगे हैं नींबू पानी क्योंकि अभी हमें यहाँ पे गेट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बताया कि जो 22 वाला घाट है 22 कुंड वाला वो अभी बंद हो गया है तो आप 3 बजे आना। तो अभी फिलहाल तब तक हम लोग यहाँ पर जो है नींबू पानी वगैरह पी रहे हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है और एक बार मेरी हालत देख लो। थोड़ा पानी पानी। अभी हम लोग मंदिर की दूसरी साइड में आ गए हैं। यहाँ पर भी जो है मार्केट्स है पूरा मंदिर में आपको जगह जगह पे मार्केट दिख जाएंगी, खाने पीने की शॉप्स दिख जाएंगी और साथ ही साथ आपको जूस वगैरह भी दिख जाएंगे ताकि अब हमने आपको हाइड्रेट वगैरह भी कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से भी हमें मंदिर की छवि देख ली है। हमने ऑलरेडी ईस्ट नॉर्थ और सॉरी नॉर्थ साउथ और वेस्ट गेट देखे हैं। आई थिंक यहाँ से ईस्ट गेट होगा मंदिर का। यहाँ पर हम मंदिर के मेन ईस्ट वाले गेट में पहुँच गए हैं और यहाँ से तीर्थ स्थान बातें हमें नॉर्थ वे में मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल एक बार पता करने गए हैं हम मंदिर की ओपनिंग टाइम का दोबारा से, उसके बाद चलेंगे। अगर हमें यहाँ पे मंदिर का प्रसाद खाने के लिए मिल जाता है तो हम प्रसाद खाएंगे उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। गाइस अभी मंदिर के खुलने में अभी 3 बजे से मंदिर ओपन होगा रॉयल वगैरह, तो अभी हमने सोचा तब तक खाना खा लेते हैं। यहाँ का भंडारा भी जो है क्लोज हो गया था तो हम लोगों को अभी नॉर्थ इंडियन एक होटल मिल गया, हम लोग वहाँ पे बैठ के जो है लंच कर रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो हमें एकदम से फिर से साउथ इंडियन स्टाइल में सर्व करने वाले हैं। फाइनली हम लोगों को खाना आ गया है जिसमें हम लोगों ने नान मंगाए हैं, आलू की सब्ज़ी और साथ में पनीर। हम लोग जो है स्नान की तरफ को बढ़ रहे हैं और ये 25 रुपये पर पर्सन वाला चार्ज है। ये 25 रुपये की जो है टिकट कटनी पड़ रही है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग अब इस कॉरिडोर से होते हुए अंदर की तरफ को जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होता है अब हमारा 22 कुंडों का स्नान। फाइनली हम लोगों ने 22 कुंडों में स्नान कर लिया है और अब हम लोग आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने तीर्थ स्थल कर लिया है सारे स्नान और अभी हम लोग नहा धो के अब जो है दूसरी मंदिर की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो वैसे मंदिर अंदर जाने के लिए कॉरिडोर है पूरा और अब हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। ऊपर की कलाकारियाँ देख रहे हो, बहुत प्यारी कलाकारी। कब बनाए, कब बने होंगे, किसने बनाए होंगे?
तो गाइस अभी हम लोगों ने मंदिर के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं, कुंडों में स्नान भी कर लिया है और प्रसाद वगैरह भी ले लिया है घर के लिए। और अब हम लोग निकल रहे हैं, या तो रूम में जाएंगे या फिर दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ को बढ़ते हैं, वो भी रूम पे जाकर डिसाइड करेंगे। और फिलहाल अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग भी रामेश्वरम आ के दर्शन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।